लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक्सक्यूज मी मैम। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? प्रिया को बुला देंगे प्लीज? प्रिया? अब प्रिया मल्होत्रा? प्रिया मल्होत्रा 2 साल पहले इधर रहता था। अच्छा आंटी, वो अब कहाँ है आपको पता है? हाँ, पर दिख रहा तुम कौन है? जी मेरा नाम इमी है, मैं दिल्ली से आया हूँ। अरे कुराई जी, तुम इमी है? जी यस। ओह, कुड यू होल्ड दिस प्लीज? ओह माय गॉड, जस्ट एज आई इमेजिन। आंटी प्रिया कहाँ है? अब क्या फायदा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। दिख रहा 4 दिन पहले प्रिया का एंगेजमेंट था, हम खुद वो फंक्शन अटेंड किया और उसका दूसरा दिन वो दिल्ली चला गया अपना फियांसी के साथ। अगर वो दिल्ली में है तो वहां हम उसे जरूर ढूंढ सकते हैं मिसेस गांधी। अब उसको ढूंढने का क्या फायदा दिख रहा? कल 4 तारीख था ना? हाँ। कल दिल्ली में प्रिया का शादी था। शादी? आपको जरूर गलत फहमी हुई है मिसेस गांधी। काश मेरे को गलत फहमी होता दीकरा। कल से प्रिया का नया जिंदगी शुरू हुआ है तो मेरे किस्मत में उसका साथ लिखा ही नहीं था। भूल जाओ उसको दीकरा। तुम्हारी कहानी वाकई बहुत अजीबोगरीब है प्रिया। जब मेरी प्रेडिक्शन सच निकली थी तो फिर तुमने तकदीर के रास्ते में बाधाएं क्यों डाली? यही सोचकर तो मैं अपने आप को कोसती हूं आंटी। काश मैंने इमी को माफ कर दिया होता। इसमें से एक कार्ड निकालो प्रिया। एक और कार्ड निकालो। आई एम सॉरी प्रिया, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुमने डेस्टिनी को टेस्ट किया है, अब डेस्टिनी तुम्हें टेस्ट कर रही है। आई एम सो सॉरी। अबे टिल्लू, कितने पैसे काटने इनके? 30 रुपए अजाज भाई। ठीक है, ये लो भाईजान। शुक्रिया। अरे भाईजान भाईजान, एक मिनट, ये किताब दिखाना जरा। ए भाईजान माफ करना, पर ये किताब मैं आपको नहीं भेज सकता। क्या बात कर रहे हैं जनाब, अभी अभी तो मैंने आपको इसके पैसे दिए हैं जनाब। हाँ तो ये लो पैसे और वापस कर दो। लेकिन जनाब मैं कैसे दे दूँ आपको वापस, अभी अभी तो आपने बेची है। अबे कैसे समझाऊं मैं तेरे को। अच्छा एक काम कर, तूने मेरे को 30 रुपए दिए थे ना? हाँ। ले इसमें 20 और जमा करता हूँ, 50 में वापस कर दे। लेकिन जनाब मुझे तो यही किताब चाहिए। अबे क्या रखा इन बातों में, खुरपा ले ले हाथों में, ये तो बहुत ही अड़ियल किस्म का आदमी है। अच्छा एक काम कर, ये 50 और जमा करता हूँ, 100 में दे दे। नहीं नहीं भाई, मुझे ये किताब बेचनी ही नहीं है ना। अरे यार 100 और जमा करता हूँ, 200 में दे दे। 200? अब मियां क्या याद करोगे तुम, ये लो। शुक्रिया। ए अजाज भाई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं मतलब 30 रुपए में ये किताब उस आदमी को बेचकर 200 में खरीद ली। अबे टिल्लू तू अभी पिल्लू है समझेगा नहीं, ये 200 रुपए का नहीं 5000 रुपए का मामला है। अबे 5000 भी क्या, दिल का मामला है। यस। माफ करना बीबी, पर ये कार्ड पे जिनका नाम लिखा है ये उन्हीं का घर है? जी हाँ, कहिए क्या काम है? भाई उनसे कहिए कि 5000 रुपए लेके झटपट नीचे आ जाए। किस लिए? भाई इस किताब के लिए। जी इस किताब के लिए 5000 रुपए? अरे बीवी क्या रखा इन बातों में, खुरपा ले ले हाथों में, आपकी समझ में नहीं आएगी, ये स्पेशल किताब है, आप उन्हें बुलाइए तो सही। जी देखिए इस वक्त वो दिल्ली के बाहर है, आप एक काम कीजिए किताब मुझे ही दे दीजिए। वैसे बाय द वे आप कौन है,
भाईजान की बहन है क्या? जी नहीं, मैं उनकी फियांसे हूँ। फैंसी है, मतलब कजन सिस्टर है। जी आपको क्या लेना देना कि मैं कौन हूँ? आपको किताब देनी है तो दीजिए, नहीं तो लेके जाइए। अरे अरे नाराज क्यों हो रही है? किताब तो मेरे को देनी है, ये लीजिए। जी एक सेकंड, मैं पैसे लेकर आती हूँ। नहीं 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 भाई, जब आपको मेरे पे भरोसा है तो मेरे को आप पे डबल भरोसा है। आप है ना, उस कैप्टन को बोलिएगा कि जाज भाई की दुकान पे आ जाए, पैसे भी दे जाएगा और सलाम भी ठोक जाएगा। अच्छा चलता हूँ। हाँ फैंसी है। अरे बेटा जी आ गए, वेरी गुड वेरी गुड। मुंबई वाला काम ठीक से हो गया? जी चलो वेरी गुड, अब जल्दी से ऊपर जाओ, सोफिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज मेहंदी की रस्म है ना, और वो जिद किए बैठी कि तुम्हारे आने के बाद ही वो तैयार होने घर जाएगी। जल्दी जाओ जल्दी जाओ, कम ऑन कम ऑन। गेस हु। अरे जतिन। हाय स्वीटहार्ट। तुम कब आए? आया तो दो घंटे पहले था, लेकिन आप दोनों गायब थी, होटल भी फुल था, तो मैंने एक दूसरे होटल में कमरा ले लिया और निकल आया आप दोनों को ढूंढने। Is everything all right? तुम इतने सीरियस क्यों हो? प्रिया मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। कन्फेस? मैं मुंबई किसी काम से नहीं गया था, मैं वहां प्रिया को ढूंढने गया था। प्रिया? कौन प्रिया? क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो? ए प्रिया, कहीं शादी कैंसिल करने का इरादा तो नहीं है ना? कैसी बातें कर रहे हो जतिन? तो फिर चलो लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर हम तीनों मेरी आजादी की आखिरी रात मनाते हैं। हम तीनों नहीं, सिर्फ तुम दोनों। तुम दोनों हड्डियों में मैं कबाब नहीं बनना चाहती। तो फिर चले प्रिया, बाय, सी यू हनी। बाय। सोफिया आज मैं ये बात तुमसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल से हम एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि उसकी शुरुआत सच्चाई और ईमानदारी से हो। आई एम रियली सॉरी सोफिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मिसेस जतिन, अच्छा कल भूलना नहीं, सुबह वक्त पे पहुंच जाना। बाय डार्लिंग। बाय। कितने पैसे हुए भाई? 120 रुपए जी। मेरे पास मैडम ये खुले पैसे तो है नहीं जी। कोई बात नहीं, रख लेना। थैंक यू जी। इट्स ऑल राइट। भाई साहब। क्या हुआ मैडम? जरा वो 50 का नोट देना। लीजिए। क्या हुआ प्रिया? आई कांट बिलीव दिस। इतने दिन से मेरे पास पड़ा था और मुझे पता ही नहीं। ओह माय गॉड, दिस इज अ मिरेकल प्रिया। तू जल्दी इस नंबर पे फोन कर और इमी को जाके मिल। लेकिन डोंट वरी प्रिया, मैं जतिन को संभाल लूंगी। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर प्रिया, जस्ट गो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? इमी घर पे है? इमी बाबा तो घर पे नहीं है, आज उनकी शादी है ना। कहाँ पे है उनकी शादी? होटल रॉयल क्लिफ में, हम भी वहीं जा रहे हैं। We'll be right back.
जिस तरह तुम्हें मेरा नोट मिल गया, मुझे तुम्हारी किताब मिल गई प्रिया। तकदीर मुझे कैसी सजा दे रही है अम्मी, तो मुझे मिले भी तो अपनी शादी होने के बाद। तकदीर ने हमें सजा नहीं दी प्रिया, तकदीर ने हमें मिलाया है। मैंने शादी नहीं की प्रिया। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है अम्मी, जो कुछ भी किया है तकदीर ने किया है। कुछ वक्त के लिए तुम्हें खुद कर्ज हो गई थी, लेकिन जब पंडित जी ने फेरों के मंत्र शुरू किए, तब मुझे मेरे दिल ने कहा कि अगर मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई तो ये एहसास कि मैंने तुम्हें धोखे से हासिल किया है, तुम्हारा प्यार फरेब से जीता है, मुझे चैन से जीने नहीं देगा, इसीलिए मैंने ये शादी रोक दी। ठीक 3 साल पहले, जैसे एक बच्चे ने लिफ्ट के सारे बटन दबाकर मुझे तुम तक पहुंचने में देर करा दी थी। अंकल, अंकल। आज ठीक 3 साल बाद एक बच्चे के ही हाथों वो नोट मुझ तक वापस पहुंच गया।